Now, today we'll start with an HTML, that is hypertext markup language. So hota kya HTML? It's basically a document layout and hyperlink specification language for rendering web pages. Matlab internet pe jitne bhi web pages hum dekhte hain, wo sare hamare HTML format mein bane hote hain. To hypertext markup language, matlab HTML ek aisi language hai jisse ki hum web pages jo hain wo apne design kar sakte hain. And it is one of the base languages to develop all the website. Jitni bhi website hoti hai, hamari base language HTML hi use hoti hai. Theek hai? Now, HTML hota kya hai? HTML is made up of elements or tags. HTML jo language hai, uske andar elements hote hain ya tags hote hain and attributes bhi hote hain saath saath, which work together to identify the document parts and tell browser to display them. So HTML is basically made of two things, tags and attributes. हम ये चीज़ बोलेंगे. टैग्स को हम लोग एलिमेंट्स भी बोलते हैं, लेकिन हम बोलेंगे HTML इज मेड अप ऑफ टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स, जो साथ साथ काम करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि डॉक्यूमेंट के कौन सा पार्ट को दिखाना है एंड ब्राउजर को बताता है कि क्या चीज़ एक्चुअल में डिस्प्ले करना है. सो व्हाट इज अ टैग? नाउ द टैग इज कोडेड HTML कमांड. इट्स बेसिकली अ कोडेड HTML कमांड दैट इंडिकेट्स हाउ पार्ट्स ऑफ द वेब पेजेस शुड बी डिस्प्लेड. सो टैग जो हमारे होते हैं इसके अंदर HTML के अंदर, वो कोडेड लैंग्वेज है. एक कोडेड लैंग्वेज है जो हम अब लर्न करेंगे, जिससे हमें बताते हैं कि वेब पेज में कौन कौन सा पार्ट में क्या क्या चीज़ लिखनी है और उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को किस तरीके से फॉर्मेटिंग करनी है. एंड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? टैग्स जो होती हैं उन्हीं की जो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हम स्पेसिफाई करेंगे, टैग्स की स्पेशल प्रॉपर्टीज जो स्पेसिफाई करेंगे उन्हीं को हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट्स. सो टैग इज कोडेड HTML. हम करेंगे आगे फ्यूचर में, अभी बहुत सारे टैग्स और एट्रीब्यूट्स करेंगे, बट इसका डेफिनेशन अभी फिलहाल देख लो कि टैग इज कोडेड HTML कमांड दैट इंडिकेट्स हाउ पार्ट्स ऑफ वेब पेजेस शुड बी डिस्प्लेड, किस तरीके से वेब पेज के जो पार्ट्स हैं उसको डिस्प्ले करना है. एंड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एन एट्रीब्यूट इज अ स्पेशल वर्ड यूज इन साइड अ टैग. जो एट्रीब्यूट हैं वो टैग के अंदर ही इस्तेमाल होते हैं टू स्पेसिफाई एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू टैग, कि कलर क्या होगा, अलाइनमेंट क्या होगा इस टैग का, एंड सो ऑन. ठीक है, सो एट्रीब्यूट का अगेन डेफिनेशन मैं बोल देता हूँ. एन एट्रीब्यूट इज अ स्पेशल वर्ड यूज्ड इनसाइड टैग टू स्पेसिफाई एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू टैग सच एज कलर, अलाइनमेंट एटसेट्रा. नाउ HTML का जो डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है. HTML की कोई भी हम फाइल क्रिएट करेंगे, जो टैग होते हैं जितने भी HTML के, वो लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में लिखे जाते हैं. जो HTML लैंग्वेज है वो हमारी प्लेन इंग्लिश को नहीं समझता है, हमें उसको बताना पड़ता है कि हम भैया पेज का टाइटल दे रहे हैं, हम बॉडी के अंदर ये लिखना चाहते हैं. सो टाइटल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, बॉडी क्या होता है अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ. तो लेकिन उसको लिखने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से है कि पहले आपको टॉप में HTML लिखना होगा, फिर आपको लिखना होगा हेड. ठीक है, हेड के अंदर आपको लिखना होगा टाइटल, और टाइटल के अंदर आप जो भी टाइटल पेज का देना चाहते हो, वेब पेज का, वो आप लिखोगे. और उसको टैग को बंद करने का तरीका क्या है? लेस देन साइन, देन स्लैश लगाना है, फिर से उस टैग का नाम दोबारा से टाइटल जैसे है और उसको क्लोज करना है. सो मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रैक्टिकली इसका. आई ओपन नोट पैड, जो इसमें कोडिंग हम करेंगे दैट विल बी इन द नोट पैड ओनली. सो हेयर दिस, जो इसका थोड़ा मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ. इसका जो लिखने का तरीका है, इट इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. आप स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको जो भी HTML फाइल क्रिएट करनी होगी, आपका वेबसाइट जो डिज़ाइनिंग करनी होगी, सबसे पहले ऊपर आपको लिखना पड़ेगा HTML लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में. ठीक है, उसके बाद इसके अंदर HTML के अंदर आपको लिखना होगा हेड लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में, और हेड के अंदर लिखना होगा आपको लिखना होगा टाइटल. ठीक है, और स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो वो उसको रेंडर नहीं कर पाएगा, वो उसको समझ नहीं पाता, बिकॉज ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर उसको रीड करता है, ह्यूमन रीड नहीं कर रहा है, इसीलिए वो नहीं समझ सकता कि वो यूज़र क्या कहना चाहता है. ठीक है, सो हेड के अंदर हमने डाला टाइटल अपना डाला. टाइटल के अंदर हम कुछ भी अपना लिख सकते हैं, से वेलकम टू माई वेबसाइट.
ठीक है, टाइटल को मैंने क्लोज किया, मैं इसको मैक्सिमाइज कर दिया। HTML लिखना है पहले, HTML के अंदर फिर हेड आएगा, हेड के अंदर आपका टाइटल आएगा, और टाइटल जो है वो कुछ इस तरीके से होगा कि आपका टाइटल स्टार्ट हुआ लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में, मतलब ये आपका टैग हो गया। ये आपका टैग के बीच में अपने कंटेंट कुछ भी लिखो वो आपकी मर्जी है, और टैग को क्लोज करना ज़रूरी है तो लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में, लेकिन स्लैश क्लोजिंग टैग जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, स्लैश सॉरी लेस देन स्लैश और फिर उसी टैग का नाम और फिर अगेन ग्रेटर देन साइन, दिस इज द क्लोजिंग टैग। और ये ओपनिंग टैग होता है, इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग टैग। अब हेड को फिर आपको बंद करना है। अगर हम स्ट्रक्चर को दोबारा से देखें, पहले HTML फिर हेड, हेड के अंदर टाइटल है, फिर हेड बंद है, ठीक है, HTML बिल्कुल लास्ट में बंद है। सो, सब पार्ट्स करके इसमें काम करते हैं हम लोग। सो, उसके बाद फिर हमें क्या बंद करना है, हेड को क्लोज करना है, दिस इज द क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग मैंने आपको बताया क्या होता है, क्लोजिंग टैग लेस देन साइन देन स्लैश देन टैग का नाम आ जाएगा और फिर ग्रेटर देन साइन, दिस इज अ क्लोजिंग टैग ऑफ द हेड। फिर इसके अंदर जो फिर से एक और टैग आएगा दैट इज बॉडी टैग, और बॉडी के अंदर हम कुछ भी अपना लिख सकते हैं, ए बी मतलब जो भी कंटेंट वेबसाइट में दिखाना चाहते हैं वी कैन डिस्प्ले दैट। देन आफ्टर दैट वी विल क्लोज द बॉडी टैग, दिस इज द स्ट्रक्चर, एंड विल फाइनली क्लोज द HTML टैग। मतलब ये HTML टैग जो है ये पेरेंट टैग है सभी टैग्स का, और बिगनिंग में स्टार्ट होगा और लास्ट में फाइल जो बंद होगी वो HTML से ही बंद होगी। उसके जो चाइल्ड टैग है, उसका जो सब टैग है HTML का, वो है हेड एक तो, ठीक है, और दूसरा टैग जो इसका चाइल्ड टैग है दैट इज़ बॉडी टैग, ठीक है। मैं आपको इस तरीके से मैंने अरेंज कर दिया, हेड टैग इसका एक तो सब टैग हेड है HTML का, दूसरा सब टैग है बॉडी, क्योंकि टाइटल सब टैग है बॉडी का नहीं हेड का, हेड के अंदर हम टाइटल दे रहे हैं क्योंकि हेड हम बाद में क्लोज कर रहे हैं, टाइटल के बाद क्लोज कर रहे हैं। सो द सब टैग ऑफ HTML इज़ हेड, एंड द सब टैग ऑफ हेड इज़ टाइटल, एंड HTML का एक तो सब टैग हेड हो गया, दूसरा सब टैग कौन सा है बॉडी हो गया, मतलब कि यहाँ पे इतना पोर्शन तो हेड का हो गया, इतना पोर्शन हमारा जो है ये बॉडी टैग का पार्ट हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द HTML documents का जो structure होता है, it's being organized in this particular manner. Now, how do we create an HTML document? To create an HTML document, we basically type the basic contents in your notepad. Notepad खोल के, you can go to the notepad by opening notepad by going to the all programs, accessories आपका होगा, accessories में आपका notepad होगा, notepad में आप इसमें typing करोगे, word में नहीं, word pad में भी नहीं, आप notepad के अंदर ही इसको typing करोगे, ठीक है। सो, ये अपना टाइपिंग करने के बाद यू विल बी गोइंग टू द फाइल एंड क्लिकिंग ऑन सेव। जब आप सेव पे क्लिक करोगे तो वो पूछेगा कहाँ सेव करना है, ठीक है। यू कैन क्रिएट एनी फोल्डर, हम आप अपना कोई भी एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हो अपनी वेबसाइट्स बनाने के लिए। सो, मैंने यहाँ पे जब मान लो डेस्कटॉप पे या जहाँ पे मैं अपना काम कर रहा हूँ मैं वहाँ पे इसको स्टोर करता हूँ, ठीक है, HTML एग्जाम्पल, मैंने फाइल का नाम दिया से first.html। तो फाइल का नाम देने के बाद यहाँ पे जब मैंने फाइल का नाम दिया, पहले तो अपने खोल लो कि कहाँ पे आपको सेव करना है, यहाँ से आपको खुल जाएगा कि कहाँ कहाँ आपको सेव करना है। आई एम गोइंग टू सेव इन क्लास 11th एंड 12th इन ई फोल्डर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर HTML में एग्जाम्पल्स के अंदर मैं सेव करना है इसको। तो मैंने यहाँ पे फाइल का नाम दिया, फाइल के नाम के देने के बाद आपको लिखना है डॉट, ये ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू रन योर फाइल। तो पहले फाइल का नाम लिखना है, फिर डॉट लगाना है आपको, फिर उसके बाद लिखना है HTM लिखना है या फिर आपको लिखना है HTML, या तो आप HTM लिखो या HTML लिखो, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। सो HTML के जितने भी हम फाइल्स बनाएंगे उनका एक्सटेंशन हम लिखेंगे या तो .htm या .html, हम क्लिक करेंगे सेव। सो वंस आई क्लिक ऑन सेव, my file is being saved in that my computer के अंदर, E के अंदर, class 11th and 12th folder के अंदर, ठीक है, class 11th 12th folder के अंदर programming concepts में मैंने HTML में जाके यहाँ पे example में save कर दिया ये first.html। so if I double click this file will open in the default browser। तो उसमें जो मैं title मैंने जो दिया वो यहाँ पे display हो रहा है, welcome to my website, this is the title,
आप कोडिंग को यहाँ मैं खोल के देखता हूँ, छोटा सा करके दिखाता हूँ आपको मैं। तो ये इसकी कोडिंग है, ये कोडिंग पोर्शन इसका है, आ गया, ये कोडिंग पोर्शन है ना। इसके अंदर वेलकम टू माय वेबसाइट मैंने कहाँ लिखा, टाइटल के अंदर लिखा था ना, तो ऊपर दिखा रहा है वेलकम टू माय वेबसाइट। और जो भी बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट लिखेंगे हम लोग, वो इस पोर्शन जहाँ पे आपकी वेबसाइट दिखाता है वहाँ पे दिखाएगा। और टाइटल आपका यहाँ पे आ रहा है, वेलकम टू वेबसाइट, दिस इज़ द टाइटल एंड दिस इज़ द बॉडी कंटेंट। ठीक है, सो वी हैव सीन हाउ टू क्रिएट योर HTML फाइल, हाउ टू सेव इट, हाउ टू रन इट। यू जस्ट हैव टू डबल क्लिक ऑन द फाइल जो आपने बनाई है, उस पर डबल क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आपके कंप्यूटर में होगा उसमें खुल जाएगा। ठीक है, सो वी हैव वी नो हाउ टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट, लेट्स लर्न मोर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ HTML फर्स्ट, देन धीरे धीरे उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें अभी आएंगी HTML में। नाउ टाइप्स ऑफ द टैग्स इन HTML, नाउ कंटेनर एलिमेंट, दिस टाइप ऑफ HTML एलिमेंट रिक्वायर पेयर टैग्स, दैट इज़ अ स्टार्टिंग टैग एज वेल एज एन एंडिंग टैग। मतलब कि हम लोगों ने अभी तक जितने टैग अभी किए अपने प्रोग्राम में, अपने इसमें HTML में, HTML टैग है उसका एक स्टार्टिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग भी होता है। हेड टैग है उसका स्टार्टिंग टैग भी है, क्लोजिंग टैग भी है। टाइटल टैग है उसका स्टार्टिंग टैग भी है, क्लोजिंग टैग भी है। बॉडी टैग है उसका स्टार्टिंग टैग भी है, क्लोजिंग टैग भी है। तो जिनका स्टार्टिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है उसको हम बोलते हैं कंटेनर एलिमेंट। सो दिस टाइप ऑफ HTML एलिमेंट्स रिक्वायर पेयर टैग्स दैट इज अ स्टार्टिंग एज वेल एज एन एंडिंग टैग। सो एग्जाम्पल टाइटल बिगिनिंग भी हो रहा है, क्लोज भी हो रहा है, हेड बिगिनिंग भी हो रहा है, क्लोज भी हो रहा है। सो दीज आर कंटेनर एलिमेंट्स। देन इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ द टैग इज एन एम्प्टी एलिमेंट्स, जिनमें एंडिंग टैग नहीं होता, सिर्फ ओपनिंग टैग होता है। हम इसको और पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी फिलहाल देख लो, मैं आपको एग्जाम्पल बता दूंगा। BR और HR टैग ऐसे टैग होते हैं जो क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपको लिखना है BR, ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में। सो BR टैग का मतलब होता है कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैंने JK ये जो कंटेंट लिखा, से मैं कुछ और लिखता हूँ, से हाय, यहाँ मैंने नेक्स्ट लाइन पे लिखा everyone, ठीक है। आई जस्ट फाइल पे मैंने जाके सेव किया, और सेव करने के बाद कुछ नहीं, ब्राउज़र खुला हुआ है ना, तो रिफ्रेश बटन आप अगर दबा देते हो तो जो भी कंटेंट आपने चेंजेस किए हैं वो दिखाएगा यहाँ पे। तो हाय एवरीवन, मैंने यहाँ पर हालांकि अगर ध्यान से देखो तो हाय के बाद एवरीवन नेक्स्ट लाइन में दिया है, लेकिन यहाँ पे तो एक ही लाइन में दिखा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ये हमारी भाषा नहीं समझता, एंटर वगैरह की भाषा नहीं समझता, इट ओनली अंडरस्टैंड्स द टैग लैंग्वेज। HTML जो एक ऐसी लैंग्वेज है जो सिर्फ टैग्स की लैंग्वेज समझता है। तो अगर हम जो भी कंटेंट को नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए आप चाहे उसको सेम लाइन में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, उससे पहले BR अगर लगा दोगे, BR मतलब ब्रेक, ये BR टैग जब लगा दोगे तो इस BR टैग के बाद जो भी कंटेंट होगा वो नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। सो हालांकि हमने पहले हमने हाई और एवरीवन अलग अलग लाइन में लिखा था, लेकिन डिस्प्ले क्या था, एक ही लाइन में आ रहा है। अब हमने हाई और एवरीवन एक ही लाइन में लिखा है, लेकिन दोनों के बीच में मैंने BR टैग लगा दिया। सो वंस आई पुट दिस BR टैग के बाद जो भी कंटेंट होगा वो नेक्स्ट लाइन में अपने आप डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा ब्राउज़र में। आई गो टू फाइल, मतलब चेंजेस करने के बाद फाइल में जाना है, आपको सेव करना है, सेव उसी फाइल में हो जाएगा, first.html फाइल में, और ब्राउज़र में आके वापस इसको रीलोड करना है आपको। सो हाई और एवरीवन हालांकि मेरी कोडिंग में एक लाइन में है, लेकिन BR लगने की वजह से एवरीवन नेक्स्ट लाइन में दिखा रहा है, ठीक है। सो BR को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे हमारा हेड को क्लोज करने की ज़रूरत है, HTML को क्लोज करने की ज़रूरत है, बॉडी को क्लोज करने की ज़रूरत है, टाइटल को क्लोज करने की, लेकिन BR एक ऐसा टैग हुआ जिसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं हुई, सिर्फ आपको लिखना है लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में BR लिखना है। तो इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं, दिस वी कॉल इज एन एम्प्टी एलिमेंट, और एम्प्टी टैग भी इसको बोल सकते हैं। सो एक तो कंटेनर टैग हो गया, एक एम्प्टी टैग हो गया। जैसे हमने BR टैग किया, एक HR टैग भी एक ऐसा टैग है जो एम्प्टी टैग होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द बेसिक टैग्स, फर्स्ट इज बेसिकली द HTML। HTML टैग हम लोगों ने देख ही लिया है, इसके एट्रीब्यूट्स देखते हैं कौन कौन से हैं। इसका पहला एट्रीब्यूट है DIR। DIR बेसिकली रेफर्स टू द डायरेक्शन इन विच द टेक्स्ट शुड बी प्रेजेंटेड। बाय डिफॉल्ट इट इज लेफ्ट टू राइट ना, हम जो भी इसमें जैसे मान लो कुछ लिखा है हमने, हाई एवरीवन लिखा है, तो ब्राउजर में दिखा कैसे रहा है, लेफ्ट साइड में दिखा रहा है ना। हम चाहते हैं जैसे कुछ जैसे उर्दू को हम लोग राइट साइड से लिखते हैं, सो इफ़ यू वॉन्ट आवर HTML कॉन्टेंट्स टू बी डिस्प्लेड राइट टू लेफ्ट, नॉट लेफ्ट टू राइट, सो इन दैट केस यहाँ पे एट्रीब्यूट आप दे सकते हो DIR।
तो HTML के एट्रीब्यूट हैं DIR और Lang. Lang means कौन सी लैंग्वेज में डिस्प्ले करना है पेज को, ठीक है. सो लैंग्वेज यूज्ड एग्जांपल EN फॉर इंग्लिश, FR फॉर फ्रेंच एट्सेट्रा. एंड DIR जो टैग है दैट इज डायरेक्शन बताता है. एंड LTR अगर हम लिखेंगे डायरेक्ट DIR, तो एट्रीब्यूट अभी आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ एट्रीब्यूट इस्तेमाल कैसे करना है. इफ़ यू गो टू योर वेब पेज तो उसमें एट्रीब्यूट है HTML का. तो HTML में यहाँ पे टैग था, ये यहाँ पे स्पेस देना है, एक HTML जो लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में है तो ग्रेटर देन साइन को आगे बढ़ा देना है, ठीक है. और स्पेस देने के बाद, HTML लिखने के स्पेस देने के बाद, यहाँ पे उसका एक एट्रीब्यूट लिखोगे. इसका एट्रीब्यूट है जैसे DIR. DIR में हम दे सकते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है आपका, यू कैन आइदर पुट LTR और RTL. RTL मीन्स राइट टू लेफ्ट. तो अगर आप यहाँ पे इक्वल लगाते हो तो RTL लिखना है, तो इक्वल के बाद आपको RTL लिखना पड़ेगा. DIR इक्वल टू डबल कोट्स में आपको लिखना है RTL. तो इसका मतलब राइट टू लेफ्ट. लैंग्वेज चेंज करनी है तो आप उसका एट्रीब्यूट है लैंग. एक ही टैग में एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेस दे दे के. तो एट्रीब्यूट क्या हुआ, उसी टैग के अंदर स्पेशल कीवर्ड्स हैं जो उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है. सो HTML में पहला टैग हो गया हमारा, HTML में सारा पहला एट्रीब्यूट हो गया DIR, दैट इज़ डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट या राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट. और दूसरा हो गया लैंग. तो लैंग आपका आप दे सकते हो डबल कोट्स में EN दे सकते हो. अगर फ्रेंच है तो आप FR लिख सकते हो. बट इनके बगैर भी काम करता है, डिफ़ॉल्ट इनके बगैर भी काम करता है. लेकिन अगर आप स्पेशली चेंज करना चाहते हो, राइट टू लेफ्ट करना चाहते हो, लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो, तो आप दो, नहीं तो मत दो. तो एट्रीब्यूट एक ही टैग में एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट हो सकते हैं, उनके बीच में स्पेस देना है आपको सिर्फ एक ही. यहाँ पे टैग का नाम है, टैग के नाम के बाद स्पेस दिया, उसके एट्रीब्यूट लिखा, एट्रीब्यूट की उसकी प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए बीच में इक्वल लगाना है और डबल कोट्स में उस एट्रीब्यूट को लिखना है, ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू को लिखना है. फिर स्पेस दिया. दूसरा एट्रीब्यूट है लैंग. लैंग में हम दे सकते हैं EN या FR फॉर फ्रेंच, या और भी बहुत सारी हैं. तो इक्वल देना है और EN जो देना है वो डबल कोट्स में हम लिखेंगे EN. और ये तो आपका साइन है ही, ग्रेटर देन साइन जो है उसको, जो टैग का जो पोर्शन है वो तो रहेगा ही आपका, ठीक है. सो इफ आई गो टू फाइल एंड क्लिक ऑन सेव, एंड इफ आई ट्राई टू रन दिस एप्लीकेशन, सो यू कैन सी द टेक्स्ट इज बीन डिस्प्लेड, इंस्टेड ऑफ लेफ्ट टू राइट इट इज बीन डिस्प्लेड राइट टू लेफ्ट के पोर्शन में आ रहा है, ठीक है. नाउ हेड क्या हमने HTML देख लिया, HTML के दो एट्रीब्यूट्स भी देख लिए. हेड टैग बेसिकली डिफाइंस द डॉक्यूमेंट हेडर. डॉक्यूमेंट का हेडर डिफाइन करते हैं. टाइटल कंटेन्स द डॉक्यूमेंट टाइटल. डॉक्यूमेंट का टाइटल देने के लिए टाइटल टैग लगाते हैं. बॉडी टैग. बॉडी टैग बेसिकली डिफाइंस द डॉक्यूमेंट बॉडी, ठीक है. सो जो भी हमारा HTML का पेज है उसमें बीच में जो मेन मेजर कंटेंट लिखना है वो बॉडी के अंदर हम लिखेंगे. सो बॉडी के एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं. बैकग्राउंड. सो फर्स्ट एट्रीब्यूट इज बेसिकली योर बैकग्राउंड. इफ़ यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड इमेज, आपको बैकग्राउंड में कोई पिक्चर लगानी है, सो यू कैन यूज़ दिस बैकग्राउंड एट्रीब्यूट. बैकग्राउंड एट्रीब्यूट आपको इस्तेमाल कैसे करना है, वापस कोडिंग में आते हैं हम लोग, ठीक है. यहाँ पे बॉडी के बाद यहाँ पे स्पेस देना. एट्रीब्यूट लिखने का तरीका ये है, और आपका कौन सा एट्रीब्यूट है, बैकग्राउंड ना, तो आपको लिखना है बैकग्राउंड, ठीक है. बैकग्राउंड इक्वल टू डबल कोट में पिक्चर का नाम आपको लिखना है, यहाँ पे कौन सी पिक्चर लगानी है, ठीक है. नॉर्मली आप देखते होंगे कि जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे पिक्चर्स हैं ब्लू हिल्स डॉट JPG, सनसेट डॉट JPG, वाटर लिलीज डॉट JPG, विंटर डॉट JPG, नाम है ना, और सबके आगे जैसे डॉट JPG लगा हुआ है. आपके कंप्यूटर में हो सकता है डॉट JPG ना दिखाए, बट इफ़ यू क्लिक दैट और उसकी प्रॉपर्टीज़ आप अगर देखते हो राइट क्लिक करके, तो यहाँ पे अगर वो दिखाता है JPEG इमेज, तो इसका एक्सटेंशन मतलब डॉट JPG है. तो इमेजेस का एक्सटेंशन नॉर्मली होता है JPG या JIF होता है, ठीक है. PNG भी होता है इंटरनेट में कई बार, लेकिन नॉर्मली जो मैक्सिमम होता है वो JPG या JIF इमेज होती है. तो कौन सा एक्सटेंशन है वो चेक कर सकते हो आप राइट क्लिक करके, प्रॉपर्टीज़ पे जा सकते हो, एंड यू कैन सी वेदर इट्स अ JIF इमेज और JPEG इमेज, ठीक है. इफ़ इट्स अ JPEG इमेज दैट मीन्स उसका एक्सटेंशन आगे जो लगा हुआ है डॉट JPG लगा हुआ है. तो आपके कंप्यूटर में हो सकता है दिखाए खाली विंटर,
ठीक है. सो आई जस्ट राइट क्लिक इफ आई वॉन्ट दिस दिस इमेज टू बी डिस्प्लेड ऑन द बैकग्राउंड ऑफ माई पेज, या इसको मैं दिखाना चाहता हूँ, तो आई जस्ट हैव टू राइट क्लिक एंड कॉपी इसको करना है. और जहाँ पे मेरा वेब पेज है, वेब पेज मेरा इधर स्टोर्ड है, क्लास 11 एंड 12 प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स एचटीएमएल एग्जांपल में जाके यहाँ पे मैंने वेब पेज बनाया, यहीं पे जाके इसको पेस्ट कर दो. ठीक है, यहीं पे जाके इसको पेस्ट कर दो. सो वंस यू पेस्ट इट हेयर, यू कैन एक्चुअली टाइप इट्स नेम. सो इसका नाम क्या है, ब्लू स्पेस हिल्स डॉट जेपीजी ना. तो यहाँ पर आपको जो है आके जो आपकी कोडिंग है यहाँ आपको लिखना पड़ेगा ब्लू स्पेस हिल्स डॉट जेपीजी, ये पिक्चर का नाम है. इफ यू जस्ट क्लिक फाइल एंड क्लिक ऑन सेव एंड रीलोड दिस पर्टिकुलर पेज, तो यू कैन सी कि आपकी जो बैकग्राउंड में इमेज आपकी लग चुकी है. और क्योंकि पूरे बैकग्राउंड में आनी ज़रूरी है, तो इस वजह से अगर पिक्चर छोटी पड़ती है तो इट विल ऑटोमेटिकली टाइल इटसेल्फ, मतलब उसको जोड़ जोड़ के दिखा देगा. ठीक है, इट विल नॉट स्ट्रेच बट इट विल टाइल इटसेल्फ. टाइल मतलब छोटी छोटी जितनी भी उसकी पोर्शन है वो उसको जोड़ जोड़ के पूरा बैकग्राउंड में दिखाएगा. सो फर्स्ट एट्रीब्यूट हमने बॉडी का देख लिया है, दैट इज़ बैकग्राउंड. बैकग्राउंड फिर इक्वल, एट्रीब्यूट लिखने का तरीका यही है, एट्रीब्यूट जो भी लिखना है फिर इक्वल लगाना है और डबल कोट में उसकी वैल्यू देनी है जो भी देनी है. तो मैंने कहा यहाँ पे पिक्चर का नाम आप दे सकते हो कोई भी जो बैकग्राउंड में लगना ज़रूरी है, तो वो लिखना डॉट आपको एक्सटेंशन लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज आपका बैकग्राउंड डिस्प्ले नहीं होगा. ठीक है, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि आपका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट के बाद क्या लगाना है, जेपीजी लगाना है या जिफ लगाना है. तो आप उसके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में चेक कर सकते हो कि कौन सी टाइप की इमेज है वो. नाउ विल मूव फर्दर, बीजी कलर. अच्छा, या तो आप बैकग्राउंड यूज़ करोगे या बीजी कलर, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करोगे. ऐसा नहीं है कि दोनों आप यूज़ कर सकते हो एक ही टाइम पे. बॉडी के ये जो दो एट्रीब्यूट हैं, बैकग्राउंड या बीजी कलर, यू कैन यूज़ एट द मोस्ट वन एट वन टाइम. बाकी आप कॉम्बिनेशन कितने ही बनाओ, लेकिन बैकग्राउंड यूज़ करोगे या बीजी कलर. कारण क्या है, या तो बैकग्राउंड इमेज दिखाओगे या बैकग्राउंड में कलर दिखाओगे, दोनों में से एक ही चीज़ तो करोगे. बैकग्राउंड में इमेज भी आए कलर भी आए पॉसिबल नहीं है ना. सो दैट इज़ वाई आइदर बीजी कलर विल वर्क और आइदर बैकग्राउंड एट्रीब्यूट विल वर्क. सो बॉडी में हमने एक एट्रीब्यूट तो हमने देख लिया बैकग्राउंड. अब हम मान लो बैकग्राउंड नहीं चाहते हैं, हम कलर चाहते हैं. सो इफ़ यू वॉन्ट इंस्टेड ऑफ द बैकग्राउंड यू वॉन्ट अ कलर, सो यू कैन टाइप हेयर बीजी कलर. कलर की स्पेलिंग सी ओ एल ओ आर है, इट्स एन अमेरिकन इंग्लिश, नॉट एन इंडिया में जो हम लिखते हैं नॉर्मली बी जी कलर. अगर हम लिखते हैं स्पेलिंग तो सी ओ एल ओ यू आर होता है, लेकिन यहाँ पे सी ओ एल ओ आर है. और डबल कोट्स में जो भी कलर आपको चाहिए, मान लो आपको रेड चाहिए तो आपने रेड लिखना है यहाँ पे. ठीक है, डबल कोट्स में आपको ब्लू चाहिए तो यहाँ रेड की जगह आपने ब्लू लिखना है. ग्रीन चाहिए तो आपको यहाँ पे जो भी आपको कलर चाहिए वो आप यहाँ पे टाइप करो. फाइल पे जाके सेव करो, विल सी इट्स अफेक्ट. हमने खोला, विल रीलोड इट. सो आपका बैकग्राउंड ग्रीन कलर का हो गया. ठीक है, नाउ हाउ मेनी कलर्स कैन यू रिमेंबर एंड यू कैन पुट हियर. आइदर आई थिंक 10 और 12, उससे ज़्यादा आपको कलर के नाम याद भी नहीं होंगे. सो इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ बना रखी है कि यू कैन एक्चुअली यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कलर्स. कंप्यूटर्स में, टीवीज़ में, लाइटनिंग्स में, मतलब जितने भी कलर्स हम होते हैं वो सारे कलर्स तीन कलर्स को जोड़ के बनते हैं, दैट इज़ रेड, ग्रीन एंड येल्लो. ठीक है, सॉरी, रेड ग्रीन एंड ब्लू, RGB, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ये तीन कलर्स को जोड़ के सारे कलर्स बनते हैं. सो इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन दीज थ्री कलर्स एंड प्रोड्यूस अ न्यू कलर, यू कैन पुट हैश हेयर. ठीक है, कलर का नाम याद नहीं है लेकिन कुछ और लाइट ग्रीन करना चाहते हो, सो उसमें लाइट ग्रीन करना है तो यू वट यू कैन डू इज रेड ग्रीन ब्लू. ना मैंने बोला पहले दो नंबर दो रेड के लिए, मतलब रेड कितना परसेंटेज आपको रखना है. मान लो रेड का मुझे 0% रखना है, दो डिजिट रखने हैं यहाँ पे, हर चाहे कुछ भी हो जाए, दो नंबर पहले दो नंबर जो होंगे वो रेड कलर के लिए हो गए, अगले दो नंबर आपने दिए ग्रीन के लिए, और अगले जो दो नंबर आप लिखोगे वो आपके होंगे ब्लू के लिए. मान लो ब्लू मुझे 0000 चाहिए, तो आप जब ये लिखोगे कोड लिखोगे हैश 002200, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 0% रेड चाहिए, 22% ग्रीन चाहिए और 0% ब्लू चाहिए. ठीक है, RGB. फाइल पे जाके सेव किया, आई विल रीलोड इट. तो यू कैन सी कि आपका जो है 22% सिर्फ आपका ग्रीन आया. अगर इसमें और कुछ नया कलर कॉम्बिनेशन आपको बनाना चाहते हो, ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू इज
इंस्टेड ऑफ 0 0 रेड इसमें थोड़ा जोड़ के देखते हैं कि क्या बनता है। मान लो 12% मैं रेड जोड़ता हूँ, ठीक है। इफ आई क्लिक सेव, रीलोड इट, अ न्यू कलर विल गेट प्रोड्यूस्ड। सो एवरी टाइम आई विल चेंज द नंबर, अ न्यू कलर विल प्रोड्यूस इटसेल्फ। मैंने ब्लू 45% जोड़ दिया, सो ब्लूइश लुक में थोड़ा सा आ जाएगा। सो आई वॉन्ट मोर ऑफ द ब्लू कलर्स, तो 99 आप मैक्सिमम डाल सकते हो, 0 0 से लेके 99 तक। सेव किया तो ब्लूइश, बहुत ज़्यादा ब्लूइश हो गया। यहाँ मुझे कुछ और कलर जैसे 0 0 0 0 मैं करता हूँ तो ये पूरा का पूरा जो है जो एक्चुअल ब्लू है वो आ जाएगा। ब्लू का मैं थोड़ा सा और कम करता हूँ, ऐसे ऐसे 10% ओनली, आई वॉन्ट अ 10% ब्लू कलर। सेव किया, रिफ्रेश करते हैं। सो दिस इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ द 10% अगर ब्लू जोड़ते हो तो सिर्फ ये वाला कलर आएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशंस ऑफ करेक्टर्स आप यूज़ कर सकते हो तो एक्चुअली प्रोड्यूस अ न्यू टाइप ऑफ कलर। सो इफ यू प्रोड्यूस, अगर आप सारे जीरो लिखते हो तो क्या कलर आएगा, सी ब्लैक, ठीक है। इफ यू राइट सारे 99 लिखते हो, 99% रेड, 99% ग्रीन, 99% ब्लू, सो जस्ट सी व्हाट कलर विल इट प्रोड्यूस। अगेन इट विल प्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर कलर, इट्स नॉट अगेन 100%, 99% है इस वजह से। सो अगर आपको पूरा 100% करना है, सो यू कैन इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन राइट FF, FF मीन्स फुल, ठीक है। 100% के लिए आपका FF यूज होता है, ठीक है। सो सारे अगर कलर हम इसको जोड़ देते हैं, सो इट विल प्रोड्यूस अ न्यूअर कलर, दैट मीन्स द वाइट कलर, इट विल प्रोड्यूस अ वाइट कलर, ठीक है। Now you have seen how to actually combine the colors. Now we'll move further. Then is a text. Text attribute होता है text का color दिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम दूसरा एक और attribute यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, space देके आप लिख सकते हो text equal to मैंने कहा red। यहाँ पर भी आप combination आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर सकते हो hash लगा के, लेकिन ठीक है। मैंने file पे गया, save पे क्लिक किया, reload करता हूँ अपनी file को, तो मेरा जो कलर है ये देख रहे हो रेड में आ रहा है, ठीक है। आई चेंज दिस, मैं इसको LTR कर देता हूँ, ठीक है। तो रेड में मेरा डिस्प्ले हो रहा है। सो वी हैव सीन अनदर एट्रीब्यूट, दैट इज द टेक्स्ट एट्रीब्यूट। देन इज द लिंक, लिंक कलर क्या होगा डॉक्यूमेंट का, ये अभी आप छोड़ दो, मैं आगे बताऊंगा इसको, लिंक एंड वी लिंक कलर, ठीक है। बट ये दो और एट्रीब्यूट होते हैं। लिंक कलर होता है कि नॉर्मली जैसे आपने गूगल खोला, सर्च किया, तो उसमें बहुत सारे लिंक्स आते हैं ना कि क्लिक कर सकते हो, माउस जैसे ही लेके जाओगे तो लिंक बना हुआ आ जाएगा, तो उसका कलर क्या होगा, उसके कलर को चेंज करने के लिए यू कैन यूज़ द लिंक एट्रीब्यूट। और वी लिंक होता है जो लिंक आप विजिट कर चुके हो उनके कलर को चेंज करने के लिए आप वी लिंक इज इक्वल टू दे सकते हो कलर। देन इज ये आपने देख लिया बॉडी एट्रीब्यूट्स, बॉडी के एट्रीब्यूट्स देख लिया। देन इज H1 टू H6 टैग्स, ये हमारे अब बॉडी के सब टैग्स आने शुरू हो जाएंगे। H1 से लेके H6 तक वो टैग होते हैं जो हम बॉडी के अंदर दे सकते हैं, जैसे हमने हाई एवरीवन लिखा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और देता हूँ, हेडिंग कोई देना चाहता हूँ, ठीक है। सो मैं हेडिंग देना चाहता हूँ, HTML हेडिंग देना चाहता हूँ। सो हेडिंग देने के लिए आई कैन यूज़ दिस H1 टैग। सो H1 टैग मैंने लिखा HTML, हेड H1 को मैंने क्लोज किया, ठीक है। या मैं लिख देता हूँ Learning HTML. So H1 tag से क्या होगा, heading automatically create हो जाएगी। So if I run this application, file, Learning HTML एक heading बन गई है, मतलब उसका size देख रहे हो normally size से बड़ा हो गया है, ठीक है। और उसके बाद जो भी content हम लिखेंगे H1 tag के बाद कुछ भी लिखेंगे वो next line से ही शुरू होगा, ठीक है। File save किया तो नेक्स्ट लाइन से, क्योंकि हेडिंग जो है हेडिंग के सेम लाइन में नहीं आ सकता, इस वजह से वो अगली लाइन में शुरू हो गया। उसी तरीके से H1 की जगह आप H2 भी लगा सकते हो। ये 6 टैग होते हैं हेडिंग्स के लिए। H2 में थोड़ा सा साइज इस जो अभी प्रेजेंट दिख रहा है उससे छोटा हो जाएगा। अगर आप H3 लगाते हो और छोटा हो जाएगा, मतलब H1 इज द बिगेस्ट हेडिंग, H3 से और छोटी हेडिंग हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। H4 लगाते हो और छोटी हेडिंग हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली H5 से और छोटी, और H6 से तो बिल्कुल ही छोटी हो जाएगी। विल सी द H6 ऑल्सो,
बिल्कुल छोटी हेडिंग हो गई है, ठीक है। सो H1 से लेके H6 आप टैग्स यूज कर सकते हो, दीज आर टू डिफाइन अ हेडिंग टू अ पर्टिकुलर पेज, मतलब हेडिंग में, हेडिंग टैग में जो भी लिखेंगे वो उस पर्टिकुलर पेज का एक हेडिंग बन जाता है, ठीक है। सो H1 इज द बिगेस्ट हेडिंग साइज एंड H6 इज द स्मॉलेस्ट वन। सो दिस वॉज इन द टुडे सेशन। नाउ यू क्रिएट योर ओन HTML पेज एंड सी द इफेक्ट योरसेल्फ।